जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशिफल क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज हम 16 दिसंबर 2023 12 राशियों के विषय में, तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं होंगी व किसी शुभ कार्य में बाधा भी आ सकती है। दूसरी राशि वृक, वृक राशि वाले आज अन्यत्र अन्य प्रदेश के लिए आपका पलायन हो सकता है अथवा आप जा सकते हैं या आप दक्षिण में किसी पद पर प्रतिष्ठित व पूर्व की ओर का आपका तबादला का योग बन सकता है। तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि वालों को भाग का अवतरण पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि वाले आज आप किसी धर्म प्रवृत्ति क्षेत्र के व्यक्ति से मिलन होगा जो कि आपको कोई नई शुभ सूचना भी दे सकता है। पांचवी राशि सिंह, सिंह राशि वालों को मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, भूमि से संबंधित उलझा हुआ विवाद सुलझ सकता है। छठवीं राशि कन्या, कन्या राशि वालों की मानसिक तनाव बेचैनी वाहन इत्यादि को लेकर बढ़ सकती है और आप बुद्ध के लिए फन्ना नामक रत्न धारण करें या भगवान श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान कराएं। सातवीं राशि तुला, तुला राशि वालों को आज आप भूमिगत द्रव्य लाभ प्राप्त होगा, मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, आप ओपल हीरा या मोती रत्न धारण करें। आठवीं राशि है वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों को वाक का उदय होगा, स्त्री पक्ष से वाद विवाद हो सकता है। नवम राशि है धनु, धनु राशि वालों को आज आप कृषि या व्यापार करते हैं किसी भी विषय से तो आपको उत्तम लाभ पद प्राप्त होगा और उसमें खुशहाली भी आएगी। दशम राशि मकर, मकर राशि वालों को आपको मानसिक तनाव बेचैनी किसी बात को बढ़ सकती है, वाहन चलवाते हैं या चलाते हैं सचेत सतर्क रहें। ग्यारहवीं राशि कुंभ, कुंभ राशि वालों को आप कपड़े से संबंधित व्यापार करते हैं या लोहे से तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि मीन, मीन राशि वाले व्यक्ति आज आप बच्चों के भविष्य को लेकर कोई धंधा बिजनेस स्थापित कर सकते हो जो कि आगे जाकर ऊंचाइयों की ओर छू सकता है। आप भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की आराधना करें, गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र पाठ इत्यादि और पुखराज नामक रत्न धारण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।